साथी नमस्कार। आज के हमारे नन्हे मेहमान हैं तन्मय जी मीणा, जो कि 10 वर्षीय डॉक्टर रवि प्रकाश मीणा साहब के सुपुत्र हैं। उनकी मम्मी जी हैं सुनीता जी मीणा, जो कि फार्मासिस्ट हैं। डॉक्टर रवि प्रकाश मीणा साहब पीडियाट्रिशियन हैं। और कल तन्मय जी की दाहिनी आंख का सफल मोतियाबिंद का ऑपरेशन सुनैची के साथ संपन्न हुआ। उनकी दाहिनी आंख में कंजेनाइटल पोस्टर पोलर कैटरेक्ट था, यानी कि झिल्ली से चिपका हुआ मोतियाबिंद था। और क्योंकि इनकी आयु 10 वर्ष थी और चश्मे की डिपेंडेंसी कम से कम हो, इसके लिए इनको सिफी मिनीवेल ईडोफ टॉरिक लेंस का चयन किया गया। काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और लंबे चौड़ा डिस्कशन के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे, इस डिस्कस पे पहुँचे कि तन्मय की आँख में सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का लेंस लगाना चाहिए और सबसे बेस्ट ऑपरेशन होना चाहिए। ऑपरेशन बड़ा चुनौतीपूर्ण था क्योंकि कंजेनाइटल पोस्टर पोलर कैटरेक्ट होने की वजह से पोस्टर कैप्सूल डिफेक्ट भी था, लेकिन लोकलाइज था पोस्टर कैप्सूल डिफेक्ट। और उसको हम लोगों ने पोस्टर कैप्सूल एक्सिस के माध्यम से उसको उस डिफेक्ट को राउंड कैप्सूल एक्सिस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद कल ऑपरेशन के बाद सिफी मिनीवेल टॉरिक ईडोफ्लेंस का सफल प्रत्यारोपण तन्मय की दाहिनी आंख में किया गया। ऑपरेशन के पश्चात अभी 24 आवर्स भी नहीं हुए और तन्मय की रोशनी लौट आई है। उनकी विजन 6x900 और M6 आ चुकी है, ये बड़ी खुशी की बात है। और हमारे बीच में तन्मय जी की मम्मी हैं सुनीता जी, जो आपको आपके साथ शेयर करेंगी उनका एक्सपीरियंस है किस प्रकार से ये निर्णय कितना मुश्किल था और किस प्रकार से शून्य चिकित्सालय में सफल ऑपरेशन के बाद वो फील करेंगे। सुनीता जी आप बताइए। नमस्ते, मैं सुनीता मीणा, फार्मासिस्ट, उसके पापा डॉक्टर हैं। हम तो सर के उम्मीद से ही यहाँ पे आए थे और हमें उम्मीद से ज़्यादा विजन मिला इसका। बहुत अच्छा, मतलब डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया इसका। धन्यवाद सर का बहुत बहुत। और आप कैसा फील कर रहे थे जब ऑपरेशन के पहले, जैसे आप चिंता थी होगी आपको बहुत ज़्यादा? घबराहट तो बहुत थी, क्या पता बच्चे का विजन आएगा नहीं आएगा, लेकिन डॉक्टर साहब की मेहरबानी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इनको कि हमारे बच्चे की लाइफ। और आज कैसा लगा जब आप बच्चे ने सब कुछ पढ़ लिया, सारा चार्ट पढ़ लिया, तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई कि उसका विजन आ गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि आ भी सकता है नहीं जा सकता, लेकिन बहुत अच्छा विजन आ गया इसका फल से। बहुत अच्छा विजन हो गया। और वो बधाई आपको, तन्मय भी बहुत ही होशियार बच्चा है, बड़ा हो कि पापा जिससे डॉक्टर बनेंगे और डॉक्टर बन के समाज की सेवा करेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि तन्मय के मम्मी पापा ने पूरी तरह से डॉक्टर और ट्रीटमेंट पर ट्रस्ट करते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, एक जो बेस्ट टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया, बेस्ट इंटरवल लेंस को सेलेक्ट किया। और इसके परिणाम स्वरूप आज कंजेनाइटल कैटरेक्ट होते हुए भी, जन्मजात मोतियाबिंद होते हुए भी इतना अच्छा विजन आया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब जन्मजात मोतियाबिंद होता है तो रोशनी की कोई गारंटी नहीं होती, कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, लेकिन बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट इंटरवल लेंस पावर के बाद में इनका रोशनी इतनी अच्छी आई, हमारे लिए भी एक प्रेजेंट सरप्राइज रहा। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन तन्मय के मम्मी पापा को और तन्मय को भी। है ना बेटा, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और कैसा दिख रहा है आपको, सब दिख रहा है, कैसा चमकदार दिख रहा है? अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।